नमस्ते दोस्तों। तो हम आज स्कूल के लिए निकल चुके हैं और आप जानते हैं हमारा स्कूल तो एक गांव में है, छोटे से गांव में है, तो इस वजह से रास्ते में इसी तरह का व्यू देखने को मिलता है। तो मैंने बाइक से ही इसको शूट कर लिया था, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में। और इसी तरह से हमारा जो स्कूल है बहुत छोटा सा है, गाँव में ही है, तो आज हम आपको अपने स्कूल के बच्चों से मिलवाने वाले हैं। ये देखिए हमारा एक छोटा सा प्यारा सा स्कूल और साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, ये गांव के बच्चे हैं, देखिए इस तरह से हैं और बड़े खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, उन्हें कभी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ उनके पास कोई कमी है, जितने में है बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखिए कैमरे में किस तरह से कूद कूद के अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मस्त रहते हैं, हमको बहुत लाइक करते हैं और हम भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनके साथ दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, हमारे स्कूल में बहुत कम बच्चे हैं। तो आपको एक और चीज़ दिखाएं, ये देखिए इसी स्कूल में ये लोग भी रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कूल में MDM बनता है, तो बच्चे जब खाते होते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो ये देखिए कितने स्मार्ट हैं, समरसीवर से डायरेक्ट पानी पी रहे हैं और ये लोग डरते भी बहुत कम है, क्योंकि जानते हैं कि ये बच्चे इन्हें कुछ परेशान नहीं करने वाले हैं, तो ये अपना पानी इस तरह से पी ले रहे हैं। ये देखिए हमारे बच्चों ने एक छोटा सा गार्डन बनाया था, तो उन्होंने कहा मैम हमारी भी फ़ोटो इसके साथ खींच लीजिए, क्योंकि ये पौधे इन्होंने ही लगाए हैं। और ये देखिए एक छोटा सा गार्डन हम लोगों ने मिलकर तैयार किया है, हमारे बच्चों ने और हमने, ठीक है। हमने बच्चों से कहा था कि जो भी पौधे उन्हें मिले तो उसे लेकर आएँ, तो हम दोनों लोग मिलकर इसे हमने और बच्चों ने मिलकर इसे लगाया है और बच्चे ही इसका ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ आपको और दिखाएं, ये देखिए एक प्लांट तैयार हुआ है, इस प्लांट को आप लोग पहचानते होंगे, ये है ग्लोय का प्लांट। तो ग्लोय का जूस मार्केट में मिलता है जो बहुत फ़ायदा करता है फीवर में, तो इसकी जो डंडियाँ होती है ना उसी को पीस के पीना होता है छानकर, तो फीवर में बहुत फ़ायदा करता है। इस प्लांट को भी हमने लगाया है, तो इस तरह से हमने एक छोटा सा गार्डन तैयार कर लिया है। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक जंगल जलेबी का प्लांट। आप में से कितने लोगों ने जंगल जलेबी खाई होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये पौधा बहुत छोटा है, इस पर फल नहीं है, जब कभी आएँगे तो आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो सभी के घरों में तो जलेबी घरों में बनती है या फिर हलवाई की दुकान में बनती है, लेकिन यहाँ पर पेड़ पर भी फलते हैं। तो इस तरह से जो है हमने आपके साथ एक छोटी सी वीडियो आपके लिए शेयर की है, तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।